हेलो एवरीवन, दिस इज AK22। आप सभी का स्वागत है माइनक्राफ्ट के एक और स्नैपशॉट 1.20 में। और इस स्नैपशॉट में ऐड हुआ है पिगलिन हेड, और ये सेम तरीके से मिलता है जैसे चार्ज क्रीपर से मरता है कोई मॉब। ये रहा हमारा पिगलिन स्पॉन एग। हम यहाँ पर पिगलिन स्पॉन कराते हैं, पर ये थोड़ी देर में ज़ॉम्बीफाई पिगलिन में चेंज हो जाएगा। पर उससे पहले हम कूद जाते हैं और ये देखो हमें क्या मिला है, पिगलिन हेड। सो या तो आपको चार्ज क्रीपर को नेदर में ले जाना पड़ेगा, या फिर पिगलिन को यहाँ लेकर आना पड़ेगा और इंस्टेंटली मारना पड़ेगा। अगर ज़्यादा देर रहते हैं पिगलिन यहाँ पर तो वो ज़ॉम्बीफाइड पिगलिन में चेंज हो जाता है। ये वाइब्रेट कर रहा है अभी धीरे धीरे, ये थोड़ी देर में पिगलिन ज़ॉम्बीफाइड पिगलिन में चेंज हो जाएगा। फिर आप इसका हेड नहीं ले सकते। अगर आपको उसको चेंज कराना है तो चार्ज क्रीपर से एक पिगलिन को ही उड़ाना पड़ेगा। ओके, ये जरूर। अभी जो गेम में हेड्स हैं वो हैं ज़ॉम्बी हेड, ड्रैगन हेड, स्केलेटन हेड, विदर स्केलेटन हेड, पिगलिन को भी ऐड करने वाले हैं, क्रीपर हेड, और ये प्लेयर हेड, स्टीव का हेड। पर ये आप सर्वाइवल में एक्वायर नहीं कर सकते, क्रिएटिव मोड में जाके ही ले सकते हो। पर इन हेड्स का कुछ क्या यूज़ था पहले, कि आप बस पहन के घूम सकते हो जस्ट लाइक दैट। बट अब आप इसको जब एक नोट ब्लॉक से जोड़ लगाते हो एंड फिर रेड स्टोन से इसको पावर अप करते हो तो उस मॉब की आवाज़ आती है जिसका हेड उस नोट ब्लॉक पर लगा हुआ है, या फिर आप जाके इसको पुश करते हो राइट क्लिक से। सी, बहुत मज़ेदार है ये, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर आपको एक मस्त वाला, किसी को डराना हो, एक एम्बियंट रूम बनाना हो जिसमें आपको ये सारी चीज़ें लगानी है, वो मॉब जो आवाज़ करता है वो आवाज़ इस नोट ब्लॉक में से आएगी। सी, स्केलेटन के हिलने की आवाज़ विद द स्केलेटन, देन पिगलिन, देन क्रीपर, और प्लेयर हेड की आवाज़ नहीं आती है क्योंकि ये सर्वाइवल में ऑप्टेनेबल नहीं है, आप इसको नहीं ले सकते। बाकी ये सारे हेड जो हैं आप ले सकते हो अगर आपने चार्ज क्रीपर से इनमें से कोई सा भी मॉब उड़ाया ड्रैगन को छोड़ के। वो हम आपको दिखाते हैं थोड़ी देर में। पहले एक और चीज़ जो इसमें ऐड हुई है वो है ये जो चिजल बुक शेल्फ थे, इसमें बुक रखने पर आप ये रैंडमली कोई सी भी, मतलब कि लाइन से एक एक बुक गायब होती थी। अब जिस बुक पर आप पॉइंट करते हो, मतलब आपका कर्सर रखा रहता है इन छः बुक में से, चिजल बुक शेल्फ है, इसमें आप बुक्स रख सकते हो और बुक निकाल सकते हो। सी, हम जो बुक चाहिए वो अब निकलती है इसमें, ठीक है। वो मिडिल वाली चाहिए, इस कॉर्नर वाली चाहिए, और रखना भी वैसे ही रख सकते हो जो जिस शेल्फ में रखनी, मतलब जिस प्लेस होल्डर में रखनी उसमें रख सकते हो। तो ये चेंज हुए थे। उस टाइम मैं भी ये सोच रहा था कि अगर ऐसा होता कि हम जिस पे कर्सर ले जा रहे हैं वाली बुक ही हम ले सकें, या वहाँ पर हमें रखना है तो उसी जगह पर हम रख सकें। हेलो, यहाँ पर हमारे पास हैं ढेर सारे टेस्ट सब्जेक्ट्स, स्केलेटन्स, ज़ॉम्बीज, क्रीपर्स। अब देखो इसमें गिराते हैं हम, अभी हो गया चार्ज्ड। एक और को चार्ज कर देते हैं। नाउ वी गो इन और देखते हैं हमें कौन कौन से हेड मिलते हैं। हडूकिन, एक स्केली का हेड मिला है बस हमको, ठीक है। तो ऐसे आप ले सकते हो चार्ज क्रीपर को चार्ज करके थंडरस्टॉर्म में। अगर आपके पास अगर ट्राइडेंट है विद चैनलिंग एंड लॉयल्टी, आप इसको मारो, इस पर सीधे लाइटनिंग गिरेगी और ये फिर उड़ा देगा हमको इधर, ठीक है। ईजी वे टू गेट मॉब हेड्स। ओके, तो इस स्नैपशॉट में इतना ही, मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट स्नैपशॉट में। अंटिल देन, सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय देन, सी यू।